नमस्कार, मैं विनय यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विनय LLB में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिया होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, सामने बेल आइकन का दिया होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक मैं बैड न्यूज़ बताने वाला हूँ। बैड न्यूज़ क्या मतलब, थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ सैड कह सकते हैं। वो क्या है कि अभी दिल्ली में एक बंदे ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था इस लोन ऐप्स के चक्कर में। अब एक जो है बैड न्यूज़ और है, एक भाई साहब है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा उनका नाम भी जो भी है, ठीक है। उन्होंने किया, एक लिंक आया, उन्होंने उस लिंक पे क्लिक करके लोन ले लिया। अब क्या हुआ, उनके जितने भी लेडीज़ें हैं, भाभी चाची मामी बहनें जो भी हैं, उनका एक ग्रुप बना के, उनके व्हाट्सअप ग्रुप बना के उनके पास पोर्न क्लिप्स भेजी गई, मतलब अश्लील वीडियो उनके पास भेजे गए, ठीक है। तो ये बैड न्यूज़ है, वो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, जिनके पास ये मैसेज पहुँचे उन रिश्तेदारों ने उनको ही गलत ठहराया, उनको इतना मानसिक उत्पीड़न पहुँचा दी कि वो अपने आप को ख़त्म करने की सोचने लगे। तो पूरी बात क्या है मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे हमें ये मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि जो एक भाई साहब थे, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में इससे पहले एक भाई ने अपने आप को ख़त्म कर लिया इस लोन ऐप के चक्कर में, लेकिन इन रिकवरी एजेंटों ने अभी भी बात नहीं माननी है, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। इन्होंने फिर एक व्यक्ति को जो एक जॉब करते हैं उनके पास एक लिंक आया, और किस तरह से वो उस लिंक आने से लेके और एंड तक का कैसे फंसते चले गए, तो पूरी बात को मैं बताऊंगा। तो पहले हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, न्यूज़ के बाद हमसे पूरी बात को हम आपको समझाते हैं। तो चलिए पहले न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, न्यूज़ आ रही है, लोन ऐप के रिकवरी गुंडों ने पीड़ित के परिवार की महिलाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भेजी पोर्न क्लिप्स। और ये न्यूज़ अभी मुश्किल से एक दो घंटे पहले की है, आज ही की है, 19 तारीख की 9:38 AM की। तो लोन ऐप फ्रॉड केस, इससे पहले लोन ऐप्स पर NVT सीरीज की पहली बार दिल्ली में एक युवक ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, अब दिल्ली का ही दूसरा हैरतअंगेज केस है। लोन ऐप्स पर NVT सीरीज ने पहली बार दिल्ली में एक युवक की खबर ब्रेक की थी। पीड़ित ने NVT सीरीज पढ़कर संपर्क किया, उसने सभी सबूत शेयर किए। रिकवरी गुंडों ने पीड़ित के परिवार को महिलाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भेजी पोर्न क्लिप्स, ठीक है। दिल्ली, विशाल शर्मा, दिल्ली में लोन ऐप्स के मेटली टॉर्चर में युवक की खुदकुशी के बाद एक और बड़ी वारदात सामने आई है। हरिनगर के एक शख्स की पत्नी बहनें 7 साल की महिलाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रिकवरी गुंडों ने पोर्न क्लिप्स और असली ऑडियो भेज दिए, जबकि युवक ने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था, बस एक लिंक के ट्रैप में फंसता चला गया जो कि मरने की कंडीशन में पहुँच गया। इससे पहले लोन ऐप्स की NVT सीरीज की पहली बार दिल्ली में एक युवक की खबर ब्रेक की थी, अब दिल्ली का ही यह दूसरा हैरतअंगेज केस है। दरअसल पीड़ित ने NVT सीरीज पढ़कर संपर्क किया, उसने सभी सबूत शेयर किए। 30 साल के प्रमोद बदला हुआ नाम परिवार के साथ हरिनगर में रहते हैं, पैसे से प्रॉपर्टी डीलर हैं। परिवार में 2.5 साल की बेटी, 28 साल की पत्नी, अलावा सरकारी विभाग में पिताजी तैनात हैं, माँ हाउस वाइफ है। दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रमोद अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, एक दिन मोबाइल में मैसेज आया, गुड न्यूज़, आपका लोन अमाउंट 25,000 रुपये अप्रूव हो गया, साथ ही एक लिंक भेजा, जबकि प्रमोद ने कहीं लोन अप्लाई नहीं किया था। यह मैसेज इंस्टेंट लोन ऐप में था। मोहित ने जिज्ञासावत उस लिंक को क्लिक किया, एक एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो गई, उसके बाद कॉन्टैक्ट और मीडिया गैलरी एक्सेस मांगी। इसके अगले प्रोसेस में उन्होंने सेल्फी मांगी, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो मांगा। अपलोड करते ही ओके का ऑप्शन आया, 5 मिनट के अंदर मैसेज आया, 5,000 का लोन अप्रूव हो चुका है, अकाउंट में अमाउंट 3,200 रुपये ही आया था, बाकी GST प्रोसेसिंग फीस कट गया। 7 दिन का ही रिपेमेंट पीरियड था, 7वें दिन प्रमोद ने 5,000 रुपये भर दिए, बिना मांगे फिर मिला लोन और गालियाँ।
प्रमोद को दोबारा उसी ऐप पे मैसेज आया, आपका 7,000 रुपये का लोन अप्रूव हो गया है। प्रमोद ने चेक किया तो अकाउंट में 4900 रुपये शो कर रहा था। सातवें दिन प्रमोद के पास सुबह अनजाने नंबरों से लगातार कॉल आने लगी। फ़ोन पिक किया तो गाली गलौज धमकी, अभी पेमेंट कर। प्रमोद ने कहा कि घर पहुँच कर करता हूँ, आज तो 7वां दिन है। उसके बाद रिकवरी एजेंट ने फ़ोन को होल्ड करा के प्रमोद की बहन को कॉल मिला, लाइन पर लिया। उसने बदतमीजी की, कहा तेरे भाई को यह लोन दे नहीं तो अंजाम भुगत। उसके भाई भाभी गंदे लहजे में फ़ोन किया। रिकवरी एजेंट ने धमकी की और तूने पेमेंट नहीं की तो तेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। भाई भाभी किसी को नहीं छोड़ा, रिश्तेदार भी पीड़ित से खफा, कहा तूने नंबर क्यों दिया। देखो जो बात हम कहते हैं कि जब ऐसी कोई वारदात होती है तो रिश्तेदार उसी को पकड़ते हैं जो जिसने लोन लिया होता है। भाई उसने लोन लिया था, उसने नंबर नहीं बांटे थे, तो गलती उसकी नहीं है, उसकी परेशानी को भी समझिए, ठीक है। वही अब मैं आपको बात पढ़ के बताता हूँ कि रिश्तेदारों ने क्या कहा। उसके बाद प्रमोद की बहनों भाभियों ससुराल के पक्ष महिलाओं और पत्नी के नंबर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। उसमें पहले तो प्रमोद के बारे में अश्लील बातें बोली गई, फिर फोन फोटेज भेज दी। प्रमोद के परिजन हक्का बक्के रह गए, एक एक करके सभी ग्रुप एग्जिट हुए तो उन्हें ऐड कर लिया। अब की बार गंदे ऑडियो बनाकर ग्रुप में सभी फीमेल को भेजे। परिवार रिश्तेदार जानकर फोन फोटो ऑडियो देखकर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने प्रमोद को फ़ोन किया और कहा तूने हमारे नंबर इन लोगों को क्यों दिए, जबकि रिश्तेदारों को सबके पीछे की तकनीकी जानकारी और असलियत पता नहीं है। तो इसमें रिश्तेदारों की भी गलती नहीं है भाई, कोई सुनेगा तो गलती करेगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम हुई क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। ऐसे कोई भी अपनी पूरी कॉन्टेक्ट किसी को नहीं दे देगा, ठीक है, कि एक साथ नंबर हम किसी को क्या दे देंगे, अपने रिश्तेदारों के, अपनी बहनों के, अपनी माओं के नहीं दे सकते ना। तो जो रिश्तेदार है उनको समझना चाहिए। जान देने की स्थिति में पहुंच गए प्रमोद बुरी तरह टूट गए। घर परिवार की बेइज्जती और गुस्सा, दूसरी तरह रिकवरी एजेंटों की तरफ से मेंटली टॉर्चर बढ़ता दुस्साहस। इसके बाद प्रमोद खत्म करने की कंडीशन में पहुंच गए। रिकवरी एजेंट ने 3 बार घर रिश्तेदार की महिलाओं के कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ ग्रुप बनाए, यहां तक कि जितनों को गंदे मैसेज भेजे उसके स्क्रीनशॉट प्रमोद को भी शेयर किए। उसी रात प्रमोद ने PCR को कॉल कर दी। हरिनगर थाने की पुलिस ने संपर्क किया, प्रमोद ने लिखित कंप्लेंट दी। प्रमोद को मरने के डिप्रेशन से पत्नी और परिवार को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो भाई आपने ये पूरी न्यूज़ को मैंने पढ़ा और आपने सुना, तो भाई किस तरह से किस हद तक ले गए ये लोग, क्या करते हैं। उन्हें पता है कि एक आदमी की एक इज्जत होती है, एक छवि होती है और एक जो उसकी धूमिल होती है समाज में, जो धूमिल बनी होती है उस प्रतिष्ठा, जिसे हम प्रतिष्ठा भी बोल सकते हैं, वो उसको ताड़ ताड़ करते हैं। उन्हें मालूम है कोई भी इंसान कोई भी इज्जतदार होगा तो वो गाली गलौज बर्दाश्त नहीं करेगा, और ख़ासकर अपनी बहन पत्नी माँ भाभी चाची मामी जो भी है, ये जो भी रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने फीमेल्स को पकड़ा और अश्लील बातें, अश्लील वीडियो, अश्लील ऑडियो वीडियो सब भेजा। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी बहन के साथ कोई बदतमीजी करेगा, चाहे थोड़ा सा गलती बोल दे, तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। वही इन्होंने किया, जितने रिश्तेदार हैं सबके पास ये ऑडियो वायरल किया, अश्लील वीडियो वायरल किया, स्क्रीन शॉट भेजे और उसको इतना मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर दिया। और जिन रिश्तेदारों के पास गए उन्होंने इन्हीं को ही गलत समझा जो प्रमोद हैं। तो भाई इसमें गलती प्रमोद की भी नहीं है भाई, उन्हें लोन लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को उनको दे दिया। तो रिश्तेदारों को भी समझना चाहिए भाई, कोई ऐसे काम नहीं कर सकता जानबूझ के। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ ऐसे किसी लिंक पे आप क्लिक ना करें। अब आपने देखा एक लिंक पे क्लिक करने से क्या हो गया, आप जिज्ञासा में आ गए, आप लोन लेते चले गए। शुरू में आपको वो एक लोन देंगे, फिर दूसरा देंगे, फिर वो आपको इतना विश्वास बना लेंगे आप पे, आपको लगेगा यार ये कंपनी जेन्युइन है और लोन दे रही है। उसके बाद फिर करते हैं वो ड्रामा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जा चुकी होती है और आदमी की जो इज्जत होती है वो इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कई लोगों ने 3 लाख 4 लाख अपने रुपए बर्बाद कर दिए सिर्फ इस लोन ऐप के चक्कर में, और अमाउंट उन्होंने बहुत मामूली ली थी, 10,000 20,000 मुश्किल से 2-3 ऐप से मिला के, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है, आपको बहुत इधर परेशान कर दिया, तो आप प्लीज़ पुलिस के पास जाएँ, पुलिस से मदद लें और साइबर क्राइम में कंप्लेंट करें, RBI को भी कंप्लेंट करें। और आज शाम तक आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा कि RBI में कंप्लेंट कैसे करते हैं लिखित में, जो कि मैं बहुत दिनों से बनाने को हूँ, लेकिन आज शाम तक मिल जाएगी। टाइम निश्चित नहीं कर रहा हूँ कि लिखित में कैसे करें, क्योंकि RBI का सचेत पोर्टल पर OTP नहीं आ रहा। और कंप्लेंट जरूर करिए, डॉक्यूमेंट मिसयूज़ की अगर कंप्लेंट नहीं किए तो साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट जरूर कराएं, अपने नज़दीकी थाने में कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपकी कोई भी बात हो, कोई भी क्वेरी हो तो मेरा फ़ोन नंबर दिया है,
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट होगी मैं आपको दे दिया करूँगा। तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।